राशन दुकानों में गड़बड़ी और लापरवाही की शिकायतों को लेकर प्रशासन की टीम की छापेमारी कार्यवाही लगातार जारी है। रिपोर्ट अभी तक एसडीएम को नहीं सौंपी गई है। वार्ड क्रमांक 2 राशन दुकान में राशन संबंधित आंकड़ों में भी हेराफेरी करने की आशंका है, क्योंकि रजिस्टर में आंकड़ों को सफेद रंग से मिटाकर सुधार दिया गया है। जांच में खाद्य निरीक्षक अनिल वर्मा की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जांच और छापेमारी करने के दौरान वीडियो बना रहे मीडियाकर्मी से खाद्य निरीक्षक अनिल वर्मा बदसलूकी कर रहे थे। खाद्य निरीक्षक कुछ राशन दुकानों में 1 से 2 घंटे तक जांच की, वहीं कुछ चुनिंदा दुकानों में सिर्फ आधे घंटे तक जांच करके ही लौट गए, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर भी संदेह है। जो गोर पीडीएस की शॉप है, जहाँ से राशन सामग्री की और वितरण ग्राहकों को किया जाता है, उसमें नगरी क्षेत्र में स्थित कुल 5 दुकानें हैं, जिसमें लगातार वार्ड के वासियों द्वारा यहाँ शिकायत दी जा रही थी, जिस पर कल और परसों 2 दिन जांच की कार्रवाई की गई। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, यहाँ पर भी अनियमितता की शिकायत मिली थी। सभी दुकानों में हमने जाँच कराई है।